टू योजना एकेडमी, स्वागत है आप सभी का योजना एकेडमी में। जैसे कि मैंने पिछले से पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए ड्यू में आपको क्या क्या प्रोसीजर लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इन सारी तमाम चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। उससे बाद मैंने बात करी थी कि जब हम एडमिशन कराते हैं ड्यू के अंदर कोई से भी कॉलेज में, चाहे वो नॉर्थ कैंपस हो चाहे वो साउथ कैंपस क्यों ना हो, तो उन सभी की मैं बात कर चुका हूँ कि उसमें क्या क्या एडमिशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उन सारी चीज़ों के बाद जब बात आती है तो अगली बात आती है कट ऑफ की। जी हाँ, कट ऑफ, जो कि हर कॉलेज अलग अलग कट ऑफ निकालता है, अपने अनुसार निकालता है। नॉर्थ कैंपस अलग कट ऑफ निकाले या साउथ कैंपस अलग निकाले, या नॉर्थ कैंपस में भी जो कॉलेज आ रहे हैं जैसे कि हंसराज, हिंदू कॉलेज, किरोड़ीमल और जितनी भी तमाम कैंपस है, वो सारे अपने अलग कट ऑफ निकालते हैं। वो सब अपने अपने खुद डिसाइड करते हैं, कोई दूसरा उन्हें डिसाइड नहीं करता है। जितने भी मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ आप सभी को, वो सारे 2018 के बेस पर आधारित है और ये सारे मैक्सिमम कट ऑफ गए हैं और ये फर्स्ट कट ऑफ है। ड्यू में कम से कम 14-15 कट ऑफ तो आती ही आती है और मिनिमम 4 या 5 कट ऑफ निकलती है। अगर आपका उनमें एडमिशन ना हो तो आप और भी इंतज़ार कीजिए, जरूरी है कि आपका हो ही जाएगा। और मैं सभी कट ऑफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो PDF आप जाएँ और चेक कर ले। फिर भी जो मेन है आर्ट्स एंड कॉमर्स रिलेटेड मैंने सारों के बारे में बताया है। सबसे पहले बात करते हैं BA ऑनर्स अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में, जिसमें जनरल में 92, OBC में 85, SC में 81, ST में 75, PVD में 70 और कश्मीरी माइग्रेंट्स में 75। BA अरेबिक में जनरल 70%, OBC 67, SC 50, ST 50, PVD 50, कश्मीरी माइग्रेंट्स 50। और BA बंगाली में अगर बात करें तो जनरल में 65, OBC में 63, SC में 60, ST में 60, PVD में 60 एंड माइग्रेशन में 60। BA इकोनॉमिक्स की बात करें तो जनरल में 98, OBC में 96, SC में 93, ST में 92, PVD में 94, माइग्रेशन में 95। इंग्लिश, BA इंग्लिश ऑनर्स की बात करें तो इससे ज़्यादा जाती है, जनरल 98, OBC में आपकी जाती है 96, SC में 95, ST में 94, PVD में 95, माइग्रेशन में 96। BA फ्रेंच 88, OBC में 83, SC में 83, ST में 83, PVD में 80, माइग्रेशन में 83। जियोग्राफी की बात करें तो जनरल में 96, OBC में 95, SC में 95, ST में 95, PVD में 93, माइग्रेशन में 93। जर्मन लैंग्वेज की बात करें तो जनरल में 83, OBC में 83, SC में 83, ST में 83, PVD में 80, माइग्रेशन में 80। हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो जनरल में 91, OBC में 89, SC में 88, ST में 83, PVD में 89, माइग्रेशन में 90। हिंदी पत्रकारिता में बात करें तो जनरल में 86, OBC में 84, SC में 82, ST में 82, PVD में 82, माइग्रेशन में 84। हिस्ट्री यानी इतिहास की बात करें तो जनरल में 96, OBC में 95, SC में 95, ST में 95, PVD में 95, माइग्रेशन में 95। इटालियन लैंग्वेज की बात करें तो जनरल में 88, OBC में 88, SC में 83, ST में 83, PVD में 80, माइग्रेशन में 83। जर्नलिज्म की बात करें तो जनरल में 98, OBC में 96, SC में 96, ST में 95, PVD में 93, माइग्रेशन में 93। पर्शियन लैंग्वेज की बात करें, जनरल में 66, OBC में 64, SC में 50, ST में 50, PVD में 50, माइग्रेशन में 65। फिजियोलॉजी की बात करें तो जनरल में 94, OBC में 90, SC में 88, ST में 88, PVD में 86, माइग्रेशन में 89। पॉलिटिकल साइंस की बात करें, जनरल में 97, OBC में 96, SC में 95, ST में 96, PVD में 91, माइग्रेशन में 96। फिजियोलॉजी की बात करें तो जनरल में 98, OBC में 96, SC में 95, ST में 96, PVD में 91, माइग्रेशन 96। पंजाबी लैंग्वेज, अपना पंजाबी, उसकी बात करें तो जनरल में 75, OBC में 72, SC में 60, ST में 65, PVD में 60, माइग्रेशन में 60। संस्कृत लैंग्वेज की बात करें तो जनरल में 85, OBC में 83, SC में 81, ST में 79, PVD में 60, माइग्रेशन में 80। सोशल वर्क की बात करें तो जनरल में 86, OBC में 80, SC में 77, ST में 70, PVD में 60, माइग्रेशन में 70। सोशियोलॉजी की बात करें तो जनरल में 96, OBC में 93, SC 92, ST 93, PVD 92, माइग्रेशन 94। स्पेनिश लैंग्वेज की बात करें, जनरल में 88, OBC में 83, SC में 83, ST में 83, PVD में 80, माइग्रेशन में 83।
उर्दू लैंग्वेज की बात करें तो जनरल में 80, ओबीसी में 78, एससी में 76, एसटी में 72, पीबीडी 60, माइग्रेशन 75। बीए प्रोग्राम की बात करें जनरल में 98, ओबीसी में 95, एससी में 93, एसटी में 93, पीबीडी 90, माइग्रेशन 90। बीकॉम की बात करें तो जनरल में 96, ओबीसी में 97, एससी में 91, एसटी में 91, पीबीडी में 91, माइग्रेशन में 91। बीकॉम ओनर्स की बात करें तो जनरल में 96, ओबीसी में 93, एससी में 90, एसटी में 88, पीवीडी में 89, माइग्रेशन 88। आपकी ये परसेंटेज जाती है इसमें। फिर आता है हम वोकेशनल लैंग्वेज की बात करते हैं, बीए वोकेशनल टूरिज्म मैनेजमेंट, जनरल में 90, ओबीसी में 86, एससी में 84, एसटी में 83, पीवीडी में 83, माइग्रेशन में 86। बीए वोकेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जनरल में 91, ओबीसी में 87, एससी में 85, एसटी में 84, पीवीडी में 84, माइग्रेशन में 87। बीए मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस, जनरल में 87, ओबीसी में 83, एससी में 82, एसटी में 81, पीवीडी में 81, माइग्रेशन में 83। बीए वोकेशनल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट एंड रिटेल बिजनेस, जनरल में 90, ओबीसी में 86, एससी में 84, एसटी में 83, पीवीडी में 83, कश्मीरी माइग्रेंट्स में 86% आती है। बीए वोकेशनल मटेरियल एंड मैनेजमेंट, जनरल में 86, ओबीसी में 82, एससी में 81, एसटी में 80, पीवीडी में 80, कश्मीरी माइग्रेंट्स में 80। जी बीए वोकेशनल ऑफिस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी प्रैक्टिस, जनरल में 85, ओबीसी में 82, एससी में 81, एसटी में 79, पीवीडी में 79, कश्मीरी माइग्रेंट्स में 82। बीए वोकेशनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में, जनरल में 86, ओबीसी में 82, एससी में 81, एसटी में 80, पीवीडी में 80, माइग्रेंट्स में 82% तक आती है। इससे पहली वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कट ऑफ की परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, आप जाके चेक कर सकते हैं। जाइए और फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए भाई इसे सब्सक्राइब कर ले यार। और यही नहीं, इसे वीडियो को भी लाइक करना ना भूले, शेयर करना भी ना भूले, कमेंट तो जरूर मारें। और कोई भी तुम्हारी क्वेरीज है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि हम उस क्वेरी पे भी वीडियो बना सके। धन्यवाद।